in microsoft excel program there are number of statistical functions given to us here a list of some of the statistical function is given all functions listed here are discussed in separate video lectures let us start इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इंटरसेप्ट फंक्शन की आइएगा शुरुआत करते हैं इंटरसेप्ट फंक्शन के साथ सबसे पहले इंटरसेप्ट फंक्शन परपज क्या है इट कैलकुलेट्स द पॉइंट एट विच ए लाइन विल इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस बाय यूजिंग ए बेस्ट फिट रिग्रेशन लाइन प्लॉटेड थ्रू द नोन एक्स वैल्यूज एंड वाई वैल्यूज इस बात को सिंप्लीफाई मैं इस तरह से कर रहा हूं वी कैन यूज द इंटरसेप्ट फंक्शन वेन वी वॉन्ट टू डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट अगर हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू मालूम है तो हम उसके बेस के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरसेप्ट का सिंटेक्स हमें यह बतलाता है कि इसके अंदर दो आर्गूमेंट्स लिए जा सकते हैं द फर्स्ट आर्गूमेंट इज नोन वाइज एंड द सेकेंड आर्गमेंट इज़ नोन एक्स मैं यहाँ पर इस केस के अंदर कुछ एग्जाम्पल को टेकअप करूँगा और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ केस के अंदर ये मेरे डिपेंडेंट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं और नॉन एक्स केस के अंदर ये मेरे पास मेरे पास इंडिपेंडेंट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं सेट ऑफ डेटा इस केस के अंदर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ मुझे यहाँ पर एक तरफ डिस्टेंस दिया गया है और दूसरी तरफ डिलीवरी टाइम दिया गया है उनके केस के अंदर मेरे को कुछ वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं अगर डिस्टेंस 725 हंड्रेड ट्वेंटी फाइव माइल्स ट्रैवल करना है तो डिलीवरी टाइम फाइव डेज का है अगर डिस्टेंस 145 माइल्स ट्रैवल करना है तो डिलीवरी टाइम वन डे का है और अगर हमें डिस्टेंस फाइव माइल्स को ट्रेवल करना है तो डिलीवरी टाइम फोर डेज का है सो so, इस तरह से मेरे पास एक तरफ माइल्स दिए गए हैं डिस्टेंस में और दूसरी तरफ डिलीवरी टाइम दिया गया है तो यह बात तो स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर है डिलीवरी टाइम इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस कवर्ड सो मेरा डिलीवरी टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया और डिस्टेंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया इन द लीनियर इक्वेशन वाईज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इंटरसेप्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ए मेरे को यहां पर ए की वैल्यू निकालनी है जो वैल्यू मुझे इंटरसेप्ट देता है इस जगह के ऊपर अब हम इंटरसेप्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे सो so, सिंबल तो हमें क्लियर हो गया कि यह हमारे पास ए है यहां पर मेरे को इंटरसेप्ट फंक्शन को टेकअप करना है इंटरसेप्ट इस जगह के ऊपर मैं इंटरसेप्ट फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं इंटरसेप्ट पेरेंथीसिस स्टार्ट द फर्स्ट वेरिएबल इज नोन वाइज ये मेरे नोन वाइज़ हैं द सेकेंड आर्गूमेंट इज नोन एक्स ऑल दीज आर माई नोन एक्स आई क्लोज पेरेंथीसिस आई प्रेस प्रसेंट मेरे पास ए की वैल्यू इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई 0.09608 और हमने इसके लिए जिस फंक्शन को यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूं सो स्टूडेंट इस तरह से हम इंटरसेप्ट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर जब हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पता होगी तो उसके बेस के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को निकालने के लिए दिस इंटरसेप्ट फंक्शन इज़ यूज्ड मैं समझता हूं कि ये इंटरसेप्ट फंक्शन अब आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा थैंक यू वेरी मच